नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी इंडिया टीम और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। स्लीपर बस व डीसीएम सहित दो डंपरों की हुई टक्कर, कोहरे के चलते हुआ हादसा, तीन लोग घायल। शुक्रवार को बेला कानपुर राजमार्ग पर एसएस विद्यापीठ इंटर कॉलेज के सामने शुक्रवार की सुबह 7 से 9 बजे के बीच अलग अलग स्थानों पर घने कोहरे के चलते चार वाहन आपस में टकरा गए। इसमें स्लीपर बस व डीसीएम सहित दो डंपर रहे, दो चालक व एक महिला यात्री घायल हो गई। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से तिरवा मेडिकल कॉलेज कन्नौर के लिए रेफर किया गया। प्राइवेट स्लीपर बस कोहरे में डीसीएम से टकराई। बेला के कानपुर मार्ग पर सुबह 7 बजे एक प्राइवेट स्लीपर बस घने कोहरे के कारण कानपुर की तरफ से आ रही डीसीएम से टकरा गई। दोनों वाहन सड़क के किनारे खड्डे में जा गिरे। फॉग लाइट न होने से हादसा हुआ। बस चालक सुभाष पुत्र मान सिंह निवासी अड्डा पुरवा थाना ककवन घायल हो गया। यात्रियों में सुषमा देवी पत्नी अशोक सिंह निवासी धूरमऊ अलियापुर चोटिल हो गए। दोनों को सीएससी बेला में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज तिरवा के लिए रेफर कर दिया। वहीं घने कोहरे में चलाई तेज रफ्तार से बस अन्य यात्रियों में पप्पू पुत्र गंगाराम निवासी लोधनपुरवा बिल्होर, शानू पुत्र अजय निवासी जालौन आदि लोग बाल बाल बच गए हैं। सुरक्षित यात्रियों ने बताया कि बस बेला में रुकी थी, जहां चालकों ने चाय पी। इसके बाद घने कोहरे में तेज रफ्तार से बस चलाने लगा, जिस कारण से हादसा हुआ। दिव्यापुर रोड पर दो डंपरों में टक्कर हो गया और दूसरी ओर दिव्यापुर रोड पर मनुआपुरवा संपर्क मार्ग के सामने एक मोरंग लदा डंपर सड़क पर तिरछे खड़े दूसरे डंपर से जा टकराया। इससे पहले डंपर का चालक विनोद पुत्र बदन सिंह निवासी श्यामपुरा थाना गोरमी भिंड गंभीर रूप से घायल होकर केबिन में फंस गया। हादसे की वजह से लगभग 1 घंटे तक बेला दिव्यापुर मार्ग पर आवागमन बाधित रहा। वही क्षेत्राधिकारी बिधना महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि दोनों घटनाओं में 3 लोग घायल हैं, सभी की हालत ठीक बताई गई है। विमल पांडे की रिपोर्ट। हमारे टीवी इंडिया टीम की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी खबरों को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमारे टीवी इंडिया टीम पर हर राज्य की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें आप तक पहुंचाते हैं। तो हमारे चैनल की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों को और हर राज्य की खबरों को देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, खबरों को शेयर करें और लाइक अवश्य करें।